तो गाइज आज हम गुलाल लॉन्चर बनाने वाले हैं। तो इस तरीके का पीवीसी पाइप आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे, इसे मैंने पहले यूज़ किया था और ये बच गया है, तो फिर से हम इसका यूज़ करने वाले हैं गाइज। ये करीब 1.5 इंची का पाइप है और काफ़ी मोटा और काफ़ी मजबूत है। इस तरीके का यहाँ पे बना हुआ है, लास्ट में इंड कैप लगा हुआ है। तो अगर आपके पास ये ना हो पीवीसी पाइप, तो इस तरीके का आप कार्डबोर्ड ले सकते हो गाइज। तो जो हम बैडमिंटन खेलते हैं उसका जो शटल कॉक होता है गाइज, उसका ये आपको कार्डबोर्ड ले लेना है जो कि काफ़ी मजबूत होता है। और यहाँ पे मैं पेपर कप ले रहा हूँ गाइज जो कि 50 ml का है, और ये देख सकते हो इस तरीके का लग जाता है। तो इसे हमें यहाँ से कट करना होगा और हम पूरा इसमें मैकेनिज्म बनाने वाले हैं गाइज। इस तरीके से वर्क करेगा, आगे ऊपर की साइड में हम गुलाल वगैरह डालने वाले हैं और फिर हम चलाएंगे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। हमारा गुलाल ऊपर उड़ेगा और काफ़ी मस्त दिखेगा यार। तो यहाँ पे मैंने गुलाल ले लिया है, इसमें के अंदर आपको गुलाल डालना है और इसे चलाने के लिए हम सिंपली बिजली बम का यूज़ करने वाले हैं गाइज। तो ये बिजली बम दिवाली का मेरे पास बचा हुआ था, अगर आपके पास ना हो तो आप बाज़ार से ला सकते हो। और इसे यहाँ पे लगाने के लिए मैंने स्टैंड बना दिया है, तो इस तरीके से ये खड़ा हो जाएगा। इसके अंदर बिजली बम आसानी से देखिए लग जा रहा है, और ये देखिए गाइज ये पूरा सेट हो गया। इसके ऊपर हम गुलाल डाल देंगे, तो आप इसमें कम या ज़्यादा गुलाल अपने हिसाब से भर सकते हो डालकर, और फिर इसे चलाना है गाइज। चलिए हम इसमें माचिस लगाते हैं और देखते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पे कितना मस्त फटा यार, और काफ़ी ऊपर तक गया था ये रंग जो हमने गुलाल डाला था, काफ़ी ऊपर तक गया था गाइज। चलिए हम सेकेंड बार, तो यहाँ पे मैं इस बार थोड़ा ज़्यादा गुलाल डालने वाला हूँ इसके अंदर। तो मैंने रेड कलर का गुलाल डाला है, इसके ऊपर चलिए मैं ग्रीन कलर का डाल देता हूँ। ये देखिए पूरा फुल हो गया, चलिए इस पर जलाते हैं। तो देखिए गाइस कितना मस्त तरीके से ये फटता है, काफ़ी ऊपर तक जाता है ये गुलाल और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है गाइस। अगर आप ज़्यादा गुलाल डालकर चलाओगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको होली में। ये देखिए गाइस ये लास्ट पीला वाला, ये देखिए पूरा छत गुलाल गुलाल हो चुका है। चलिए हम स्लो मोशन में देखते हैं। ये देखिए गाइस स्लो मोशन में काफ़ी मस्त दिखता है, यहाँ पे रियल पता चलता है गाइस। आई होप गाइस आपने इसे एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और होली हम इस बार धूमधाम से मनाने वाले हैं, तो नए नए गैजेट हम बनाने वाले हैं गाइस, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको नए नए गैजेट देखने को मिलेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू सून।